रो कौन रहा था। पर यहाँ से रिशु को अलविदा बोलते हैं, ठीक करने के एक मंथ बाद मिलते हैं फिर जल्दी से। क्या बोले जा रहे हो? इन्होंने टाइम लेते लेते 5:30 बजे ठीक है ध्यान रखना, आ जाओ ठीक है। उन्होंने ऐसी शक्ल बन गई है गाइस पूरी भाई, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट के अंदर ही एंट्री हो रही है हमारी। क्या पता भाई यहाँ से अब बज चुके हैं 5:10, तो यहाँ से हम अलविदा होने वाले। अभी रो कौन रहा था? रो कौन रहा था। यहाँ से चलते हैं, हमें जाना है कहाँ जाना है हमें मुंबई। अभी यहाँ से कहाँ जाना है? टर्मिनल 3। अभी हमें यहाँ से जाना है टर्मिनल 3 जो कि है ऊपर, तो ऊपर चलते हैं इनकी, वहीं से कैब करते हैं और इन्हें अलविदा बोलते हैं। रोजे का भी टाइम होने में 1.5 घंटा बचा है, थोड़ी एनर्जी आ गई क्योंकि इसे रोता हुआ देख लिया ना, फिर मैंने यार बेचारी रो रही, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे खुशी मिल गई, सच बता रहा हूँ। अच्छा चलो गाइस मैं आप लोगों को ऊपर चलकर मिलता हूँ। गाइस देख सकते हो भाई हम ऊपर आ चुके हैं टर्मिनल 3 पर, यहाँ से रिशु को अलविदा बोलते हैं ठीक है, यहाँ से हम एंटर करते हैं, एंटर करने के एक मंथ बाद मिलते हैं फिर जल्दी से। क्या बोले जा रहे हो? अच्छा जल्दी आ जाऊँगा बस, जितने दिन बोलो उतने दिन बोलो। हाँ मैंने इससे बोला है 15 दिन में। अरे यार मत करो यार, मैं 10 दिन बोलो, ईद के 3 दिन पहले मैं आ जाऊंगा वापस ठीक है, जब तक बने रहो व्लॉग में। चलो गाइस चलते हैं, टाइम हो गया 5:30 बज गए, 5 बजे बोला था लेकिन इन्होंने टाइम लेते लेते 5:30 बज गया ठीक है ध्यान रखना, आ जाओ ठीक है। हाँ ठीक है जाओ यार, बाय। ओ या पूरी भाई उतरी पड़ी है सगल, अभी फोन करूंगी ना लोगों कैब का बता देना। हो गई कैब तो। चलो गाइस अंदर आप लोगों को मिलते हैं डॉक्यूमेंट चेक करवाने के बाद ना। तो गाइस देख सकते हो भाई अभी अंदर की साइड में पहुंच चुके हैं, अभी हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट है तो हम उसके काउंटर पर आए हैं जो कि हमारे बैग चेक जमा होंगे ठीक है, व्यू चेक कर सकते हो भाई। एंड यार अभी बैग जमा करवाते हैं देन अंदर की साइड में चलते हैं, रोजे का भी काम होने वाला है, सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, 6 बज चुके हैं, देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है, कितना काम करेंगे। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है जैसा कि आप देख सकते हो, वेट कर लेते हैं देन आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हो भाई वहाँ पर बैग्स हमारे जमा हो गए हैं, तो यहाँ पर हमारा ये सामान चेक होगा और हमारा मेरा ये वॉलेट देख सकते हो भाई, वॉलेट और मेरी वॉच और भाई का वो फ़ोन और मेरा दूसरा फ़ोन और एयरपोर्ट्स और जो भी सामान है, और भाई ये लस्सी मना कर रहे हैं यहाँ से ले जा नहीं सकते, ये लस्सी ना मात्र 2 घंटे से मैं आ सकती हूँ, मुझे पकड़वा रखी थी कि अंदर जाएंगे और अब पता लग रहा है ये ले जाने से। चलो गाइस ट्राई करते हैं, जो भी होता है अंदर देखते हैं, ले जाने देंगे नहीं ले जाने देंगे, वरना मेरा भाई है ही शैतान ये पी लेगा। चलो गाइस आप लोगों को अंदर चल कर मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हो भाई हमारी जो भी चेकिंग थी वो हो गई और अंकल जी अच्छे थे, मैंने उनसे बोला मेरा रोज़ा है और मैं अपने लिए लेकर जा रहा हूँ और रोज़े का भी टाइम नहीं हुआ है, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है जाओ ले जाओ कोई बात नहीं है, वरना अंदर लेके नहीं जाने देते। अब फाइनली भाई लेकर आ गए, अब सारे बैग्स जमा हो गए, अब थोड़ा सा फ्री फील हो रहा है। अभी यहाँ से अंदर की साइड में चल रहे हैं ठीक है, हमारा गेट नंबर है 32 और अभी हम हैं 27 के आसपास, तो अभी चलते हैं और थोड़ा बहुत घूमते हैं, अभी 8 बजे की फ़्लाइट है और अभी तो रोज़े का भी टाइम होना है, कुछ खाएंगे पिएंगे, बाकी वैसे भी 1500 रुपये तक का तो खाने पीने का भटका लग गया आज भाई, सुबह से लेकर पानी की बोतल भाई 70 रुपये, नहीं बड़ी वाली 100 थी वो छोटी वाली लिया तुमने, बहुत छोटी भाई देख लो कैसी महंगाई फाड़ रखी है। तो भाई व्यू चेक करो भाई, एंड यार देखो चलते हैं, अभी आप लोगों को वहाँ चलकर मिलते हैं जहाँ पर हमें पहुँचना है ठीक है,
तो जब तक बने रहो व्लॉग में। तो गाइस देख सकते हो भाई हम पहुंच चुके हैं 32 गेट नंबर, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वेट करना है, अभी रोजे का भी टाइम होने वाला है और रिशु अपने घर पहुँच गई है तो उसकी कॉल आ रही है, मैं पहले उससे बात कर लेता हूँ, देन आप लोगों से बात करता हूँ। ठीक है, तो भाई कैसा लगा यहाँ तक का सफर, जल्दी बताऊँ, मज़ा आ गया। चलो गाइस अभी उससे बात करता हूँ, देन आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस सबसे पहले तो भाई सॉरी, ठीक है, क्योंकि जल्दी में मैं खुद भूल गया कि मुझे ब्लॉग का इंट्रो भी लेना था, मैंने खाना शुरू कर दिया। तो भाई शैतान भाई हमारा, वो तो सबसे पहले इनने एक भी बार याद दिलाया कि भाई ब्लॉग करना है, ब्लॉग का इंट्रो लेना, मैंने बोलना है मुझे याद आया भाई ब्लॉग का इंट्रो भी तो लेना था। तो भाई ये सारा सामान था, ये आलू के पराठे थे भाई, ये देखो ये थे ये, और ये हमारी लस्सी है। कई भूख लग रही थी यार, क्या करें। तो भाई खा लेते हैं, खाने के बाद मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ सारी, तो उसके लिए सॉरी क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, तो खाने के बाद आप लोगों से बात करूँ। तो देख सकते हो भाई फाइनली अंदर जाने की टाइमिंग हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से देख लो भाई कितने पास में फ्लाइट खड़ी है अपने, हैं ये देख सकते हो गाइस, ये हमारी टिकट्स थी जो कि चेक हो चुकी हैं, स्कैन हो चुकी हैं। अब हम नीचे की साइड में चलते हैं, चलने के बाद में बैग्स हमारे तो पहुंच गया, अब हम लोगों को व्यू चेक करवाता हूँ नीचे चलने के बाद में, बिकॉज यार मेरा तो फर्स्ट टाइम है ना यार। दो बात है, देखो भाई तुम्हारा भाई सच बोलता, झूठ नहीं बोलता, भरमबाजी में नहीं रहता, मैंने ये करा वो करा, जो है भाई जो है आप लोगों के सामने सच बता के रखता है बस तुम्हारा भाई। चलो यहाँ से चलते हैं एंड दिखाते हैं आपको, डांस करके दिखा देना अपनी वीडियो की तरह, वो चिल्लाने वाला भाई यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को, शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि रात हो चुकी है, दिन में अगर मैं आता तो आप लोगों को क्लियरली दिखता। तो गाइस ये चेक कर सकते हो भाई, इस साइड से बस निकल के फ्लाइट का, फ्लाइट तो ऐसी खड़ी हुई है, यहाँ से देख सकते हो सामने फ्लाइट है, और यहाँ से व्यू चेक कर लो थोड़ा सा, क्योंकि बाहर से फ़ोटो तो कैसे क्लिक करूँगा क्योंकि गेट के सामने ही लगा रखी है, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट के अंदर ही एंट्री हो रही है हमारी। ये चेक करो भाई, क्या पता हाँ स्टेट एंड राइट कराओगे यार, बिल्कुल गंदी वाली जगह नहीं मिलने की, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। मजाक खत्म नहीं होता, तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी सीट है हमारी, डन आप लोगों को बैठ कर मैं सारी बातें बताता हूँ। ठीक है, तो फाइनली गाइस देख सकते हो अभी हम बैठ चुके हैं अपनी सीट पर, जो कि भाई विंडो सीट नहीं मिली और हमें बात करनी चाहिए थी वहाँ पर, और जब मैंने अभी टिकट जब जिससे करवाई थी मैंने बोला मुझे विंडो सीट नहीं मिली, अभी मैंने सबसे पहले यहाँ पर जब मुझे पता लगा विंडो सीट नहीं मिली तो मैंने बोला कि आप जब बैग जमा करवाते हो वहाँ पर आपको बोलना पड़ता है जब मिलती है। यार अब तो बुरा लग रहा है, विंडो सीट नहीं मिलेगी कैसे देखनी है, नहीं मिलेगा। और गाइस देख सकते हो भाई व्यू देख लो भाई चारों तरफ, ठीक है, एंड मेरा भाई बोलता है सबके सामने भगो 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 जल्दी जल्दी सीटें गिर जाएंगी, सीट मिलेगी मेरे भाई, और मैं भी यही कहूँगा सीट मिलेगी नहीं शेर। चलो गाइस अभी बैठ जाते हैं, बैठने के बाद में यहाँ से चलते हैं क्योंकि फ़ोन के अंदर चार्जिंग नहीं है, और यहाँ पे दिया गया है इन्होंने USB टाइप पोर्ट और मेरे फ़ोन में लगता है टाइप सी। चलो गाइस अभी बैठते हैं, मैं कॉल पे ही बात कर लेता हूँ घर पे कि मैं हाँ मैं बैठ गया आराम से, ठीक है, फ़ोन के अंदर चार्जिंग नहीं है, अगर कुछ दिखा ना पाऊँ उसके लिए भाई पहले ही सही बोल रहा हूँ, बिकॉज फ़ोन के अंदर 5-6% ही बैटरी है। तो आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तो जब तक के लिए स्टे ट्यून, तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम वेस्ट कैसा लग रहा है। चलो भाई आप लोगों से मिलता है थोड़ी देर बाद। तो भाई देख सकते हो भाई अभी हम कहाँ पहुँच गए ये हमें नहीं पता, बट ये भाई मुझसे पता ही क्या बोल रहा था अभी फ्लाइट में बैठने के बाद में, कह रहा भाई आज पूरी दिल्ली में मोड़ दूंगा, इनने मेरे साथ सब बहुत गद्दारी करी है, कभी इसने मेरा साथ नहीं दिया भाई, हमेशा डीमोटिवेट ही रहूँ मैं इस दिल्ली में रह रहे, तो आज तो मोड़ दूंगा मैं।
तो अभी 10 बज गए, थोड़ी बहुत देर के बाद में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट उड़ान कैसी लगी आपको? जब ऐसे यू में पीछे नहीं, पीछे के सारे डिब्बे वाइट कर रहे थे, जिसमें सारे काटे मैं कह रहे पीछे जा रहा है, सब कुछ सारे डिब्बे काट कर सकते हैं। जो बात है एयर डील होता है ना पंपिंग से हमारा, पहले यू चलता रहा फिर जो होता रहा छाती ऊपर जाएगी पूरा। चलो गाइस फ़ोन के अंदर ना 2% बैटरी है, मैंने सोचा ले लेता हूँ ठीक, और फिर नीचे उतर के फ़ोन चार्ज करेंगे, देन भाई आप लोगों से ही बात करेंगे और सारी बातें करते हैं। तो मैंने फाइनली गए, हमारा प्लान लैंड हो चुका है ठीक है, अभी फ्लाइट्स ओपन हो जाए नीचे चल के आप लोगों से मिलते हैं। 1% बैटरी बची हो भाई, मज़ा आ गया, मतलब बड़ा खतरनाक नीचे से डायरेक्ट डाउन होता है, अभी नीचे उतरते हैं देन आप लोगों से। फाइनली गाइस देख सकते हो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं, ये रहे समीर भाई। तो कुछ बोलना चाहोगे? मजा आ गया। कुछ बोलना चाहोगे? हाँ बोलना चाहूँगा। चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं, और भाई फ़ोन के अंदर ना मतलब बैटरी नहीं है बिल्कुल भी, और देखो स्विच ऑफ हो जाए या क्या हो जाए कुछ बोल नहीं सकता। हाँ हमारा बैग मिलेगा, बैग नंबर 12, और भाई यार मुझे नीचे जाना था यार, नीचे भी देखना था लेकिन यार नीचे से जाने का मौका ही नहीं मिला, बट स्टिल कोई नहीं चलते हैं। अभी पहले बैग लेते हैं, बैग लेके मैं फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ अपना थोड़ा सा, देन आप लोगों से मिलता हूँ ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। फाइनली गाइस देख सकते हो भाई तुम्हारे भाई ने एग्जिट कर लिया है यहाँ से सी से ठीक है, और फाइनली तुम्हारा भाई पहुँच चुका है मुंबई। हाँ मेरी जान मुंबई। चलो अभी भाई कौन आने वाला है मैं बता नहीं रहा, आप लोग देख ही लेना ठीक है, अभी उनका वेट कर रहे हैं, बस वो आने वाले हैं, वो आगे की साइड में मेरा वेट कर रहे थे, एक ही साइड में, और मैंने सी से एग्जिट करा है क्योंकि सी मुझे पास पड़ा था। अब वो आ जाते हैं, आने के बाद मैं उनसे ही मिलवाता हूँ आप लोगों को, फिर कुछ खाते पीते हैं क्योंकि 2-3 पराठे में कुछ नहीं हुआ मेरा भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया था, रोज़ा था, जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाते हैं, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली गाइस देख सकते हो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं, और मैं किससे मिलवाने की बात कर रहा था, ये देख सकते हो भाई, ये रहे हमारे फरहान भाई। तो क्या नाम है भाई? बीजू भाई। हैं? बीजू। बीजू। बीजू भाई। भाई एकदम बढ़िया, एकदम मजा आ गया भाई। भाई देखो एक सीन में आप लोगों को बताता हूँ ठीक है, फ्लाइट के अंदर ना इंक्लूड था खाना और क्या नाम है पीना, सब कुछ इंक्लूड था ठीक है, और वहाँ पर मिल रहा था। अब भाई ये बोल रहे थे भाई ये पूछ रही है खाने के लिए, तो मैंने भाई मना कर दो भाई बेकार में, अभी 1,000 रुपये के 3 पराठे मिले थे यहाँ पे, कभी पता लगे 10,000 रुपये, कभी 10-15,000 रुपये का यहाँ पे बिल बन जाए, मैं भाई मना कर दो, वहाँ पर मना कर दिया, कह रहे भाई खा पी लिया था, मैंने कहा भाई भूखा हूँ। चलो चलते हैं गाइस, आप लोगों को बाहर चलकर मिलते हैं और आपको मुंबई घुमाते हैं ठीक है, मेरा तो भाई फर्स्ट टाइम है, और कौन कौन मुंबई से है कमेंट करके बता देना, क्योंकि अभी कुछ दिन तो मैं यहीं पर ही हूँ, कमेंट करके बता देना भाई सबसे मिलेगा तुम्हारा भाई, और फिर घूमेंगे फिरेंगे ठीक है। चलो बाहर चलकर मिलते हैं। तो गाइस होटल आने के बाद में भाई मतलब फ्रेश व्रेश होके रूम वूम ले लिया था, और ये भाई हैं हमारे, क्या नाम है भाई आपका? हाँ देवू भाई, ये हमारे देवू भाई हैं जो कि हमारे साथ में रुकेंगे ठीक है, और बाकी अब भाई थकान वकान बहुत ज़्यादा हो रही है तो अब सो जाते हैं, सुबह चलेंगे जहाँ भी हमें चलना है ठीक है भाई, घुमाओगे ना देवू भाई पक्की बात। चलो भाई सो जाते हैं, और हैं घुमाओगे या घूमोगे? ये तो भाई गाइज आज मैं बताता हूँ कि ये बंदा कुछ अलग वीडियोस बनाता है, अगर आप लोग देखना चाहते हो ना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कुछ खतरनाक चीज़ करता है बंदा, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करना ठीक है, और भाई यार ये अपना सपोर्ट दिखाओ अपना पूरा ठीक है। बाकी अभी सो जाते हैं, सुबह उठ के जहाँ भी जाएंगे वहाँ आप लोगों को लेकर चलेंगे, दिखाएंगे सारी चीज़ें। तो ये वाला ब्लॉग हम ये एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना भाई, और इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना अपने भाई को, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा भाई डेली अपडेट देता रहता है। बाकी भाई आज की फ्लाइट में सबसे बड़ा दुख यही रहेगा कि हमने खाना नहीं खाया भाई, तो मैं एक्सेप्ट के बता दूं भाई पूरी बात बताओ भाई, खाना पूछा नर्स ने, ओ, क्या कहते हो उसे भाई एयर होस्ट ने पूछा सर कुछ लोगे चिकन रोल वगैरह ये सब,
भाई छूटते हमने सोचा भाई दो पराठे तो 1000 रुपए के लिए, हमने नथिंग और बाद में पता लगा भाई जो वो सब ना फ्री था, टिकट के अंदर ही था। ये सदमा नहीं जाने का भाई, ये सदमा भाई मेरा जिंदगी भर नहीं जाएगा भाई। मैंने सोचा यार कि बेकार में पैसे लग जाएंगे, और भूख जब भी इतनी ज्यादा तेज लग रही थी मुझे, लेकिन फिर भी नहीं खाया। भाई आप कहाँ रहते हो देबू भाई? हैं दिल्ली में ही रहते हो शादरा में? चलो गाइस मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। तो भाई सारे एपिसोड देखना, हर व्लॉग के अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों को नया एक्सप्लोर करेगा तुम्हारा भाई। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।